जरा स्क्रीन पे एमएनएम का चार्ट लेकर आइए। स्ट्रेंथ के साथ तो खैर ट्रेड हो ही रहा है, कुल एक्सपोर्ट्स में 25% का जंप आता हुआ एमएनएम के 39,000 के आसपास ट्रैक्टर बिक्री का आंकड़ा है, 7% ईयर ऑन ईयर का डिक्लाइन। अच्छा मैं बता देता हूं, कुल सेल्स है 28,112 यूनिट्स, मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन थी 30,000 के आसपास की, तो एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा म्यूटेड है, लेकिन एमएनएम तो खराब चालू होने के शुरू ट्रेड शुरू होने के बाद से स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और इस समय तो इनफैक्ट आके दिन के हाईस पे खड़ा हुआ इस समय नजर आएगा। ट्रैक्टर सेल्स 7% ईयर ऑन ईयर का डिक्लाइन, और शायद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से एक स्लाइट मिस है इस समय एमएनएम का वो बिक्री का आंकड़ा, लेकिन स्टॉक दिन के हाईस पर 3.25% का उछाल। ऐसे में मानस कैसे अप्रोच करूं एमएनएम को? टाटा मोटर्स तो आपको एग्रेसिव टारगेट नजर आ रहे थे 360 के, एमएनएम कैसा पोजिशन है, और साथ में एमएनएम के बाद अपना भी जरा पिक दे दीजिएगा इस समय का। देखिए ऑटो स्पेस में अगर आपको याद हो तो करीब 5-6 दिन पहले हमने काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा था, और इस हफ्ते के पहले दिन मंडे को एमएनएम ने ब्रेकआउट दिया था 800 रुपए के ऊपर, उसके बाद 3 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन फिर से आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेक है 817 रुपए के ऊपर। मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको 900 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, 890 से लेकर 900 रुपए तक के आपको टारगेट सेट करके चलने हैं। करंट लेवल पर खरीदारी करिए और 800 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए।